Before starting the next lecture, I would like to give you a summary of the last lecture. So I'll start with efficient portfolios, market risk, and capital market lines. So in the last lecture, we discussed efficient portfolios. What is the efficient portfolio, and where are they based? We saw that efficient portfolio, all the stocks only with the market risk. जब हम diversification की बात करते हैं, जब हम 40 stocks ले लेते हैं, तो जो हमारा company specific risk होता है, वो almost सारे का सारा diversify हो जाता है, वो eliminate हो जाता है. तो सिर्फ we are only interested in the market risk. We are not interested in the company specific risks anymore. So इसलिए फिर हमने देखा कि जितने भी efficient portfolios हैं, all of them are based on capital market line, and we discussed the betas and started with the capital asset passing model. Today we will do all those things in quite detail, and today's lecture will be quite enlightening for all of you. So let's move forward and start today's lecture. So today we will do stock beta, portfolio beta, and introduction to security market line. So these are the concepts we are going to do. So first of all, we're going to start with stock beta. What is stock beta? We got started on stock beta last lecture. We have stock beta pe kaam karna shuru kar diya tha. Lekin aaj hum detail mein dekhenge ki stock beta asal mein hai kya, derive kaise hota hai, uski implications kya hai. Portfolio betas dekhenge, introduction. Uske baad hum dekhenge what is security market line. और सिक्योरिटी मार्केट लाइन, व्हाट एग्जैक्टली सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एंड हाउ इट कैन एक्सप्लेन द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड ऑल दैट. सो इट्स ऑल ऑफ दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग, एंड लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू स्टार्ट इट. अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर्स आर, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर यू वुड बी एबल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक: स्टॉक बेटास अगेन, portfolio betas, we'll do them again, introduction to security market line, capital asset passing model. So first we would recap some of the concepts which we have studied in the previous lectures. It is mentioned in efficient capital markets that investors would take an extra risk only if they are compensated in the form of extra return. So hum shuru se baat karte aaye ki investors are only interested in risk if they are getting extra return for that. Hum ye baat karke dekh chuke hain ki जो इन्वेस्टर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते हैं, तो वो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का डिफॉल्ट का रिस्क हम जीरो लेते हैं, जो मोस्टली होता ही जीरो है, एंड उसके अलावा या तो वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं. बैंक में भी अगर आप पैसा अपना रखेंगे तो आपको जो रिटर्न है वो कम मिलेगा, बट आप यू कैन एक्सेस योर मनी एनी टाइम. सो दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ पुटिंग योर मनी इन द बैंक. सो बैंक में रखने का ही फायदा है. सो बात ये थी कि जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी इंक्रीज होगा. सो ऑब्वियसली जो जिस कंपनी का रिस्क बढ़ेगा, उन्हें पता है कि इफ़ वी हैव टू ऑफर देम मोर रिटर्न, इफ वी आर नॉट गोइंग टू ऑफर इन्वेस्टर्स मोर रिटर्न, नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट विद अस. सो इस सिलसिले में अक्सर एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर गवर्नमेंट की जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ हैं उसमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी लो होता है, बिकॉज यू हैव द सर्टेनिटी दैट यू विल गेट द मनी बैक, इट इज़ रिस्क फ्री. सो उसको हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी लेते हैं. सो हमने ये देखा था कि उस पर जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो द इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी समथिंग समवेयर अबाउट 10%, 10 to 11%, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट इज़ वेरी हाई इन पाकिस्तान, इट्स अबाउट 9 to 10%. सो इट्स अ वेरी वेरी लो रिटर्न, बट यू हैव टू कंसिडर दैट लो, इट्स अ वेरी लो रियल रिटर्न. रियल रिटर्न से मुराद है कि जब आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट आउटसाइड देखें, अगर 10% इन्फ्लेशन और आपका 11% रिटर्न मिला है, तो इफेक्टिवली आप 1% ही बना रहे हैं, इसलिए कि बाकी तो आपकी सिर्फ परचेजिंग पावर सेम रह रही है. अगर आपको 10% जो फर्स्ट 10% है वो सिर्फ इन्फ्लेशन की उसमें चला जाता है, जो चीज़ें आपने आज खरीदी हैं, अगर एक साल के बाद आपको 10% रिटर्न मिलता है, 11% रिटर्न मिलता है, तो आप 10% तो सिर्फ चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो वही चीज़ें आप 10% ले सकेंगे, सिर्फ 1% आप बना रहे हैं. सो दैट्स कॉल्ड रियल रिटर्न. हमने देखा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे सबसे कम रिटर्न होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू सर्टेनिटी. उसके बाद हम देखते हैं कि देखते हैं कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाता है सिक्योरिटीज़ का, वैसे वैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ता जाता है. देन वी डिस्कस्ड बॉन्ड्स, एंड बॉन्ड्स के केस में हमने देखा कि रिस्क जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, और रिस्क है वो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा होता है, बिकॉज जो बॉन्ड्स हैं वो उनका जो बॉन्ड्स का डिफॉल्ट होने का चांस ज़्यादा होता है. मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि कंपनी के बॉन्ड्स हैं उसमें कंपनी आपको अगर कंपनी के बॉन्ड्स बाय करते हैं या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट बाय करते हैं विच इज़ अ फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, तो आपको ये तो पता होता है कि हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है.
कूपन आपको क्या मिलेगा और आपको फेस वैल्यू क्या मिलेगी, लेकिन कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है. इन केस ऑफ द डिफॉल्ट आपको जो पैसा, यू विल बी द फर्स्ट क्लेमेंट, आपको सबसे पहले पैसा मिलेगा, लेकिन इट कैन टेक सम टाइम. और अगर कंपनी के पास इतने एसेट्स ही नहीं है, वो और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से यू कैन पोटेंशियली यूज योर मनी. सो जो उस पर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज मोर देन रिस्क फ्री सिक्योरिटी, दैट इज अबाउट, और जो बॉन्ड्स पे रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज अबाउट 15%. एंड फाइनली अगर आप स्टॉक्स पे देखते हैं, दे आर वेरी रिस्की एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिकॉज स्टॉक्स में डिविडेंड यू डोंट नो वेदर यू गोइंग टू गेट इट और नॉट. किसी साल डिविडेंड मिलेगा, किसी साल डिविडेंड नहीं भी मिलेगा, और वी आर नॉट एक्जैक्टली श्योर अबाउट द नंबर कि क्या डिविडेंड मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा. एंड फाइनली स्टॉक के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इफ़ द कंपनी फेल्स यू विल नॉट गेट एनी थिंग, आपको कुछ नहीं मिलेगा. सबसे पहले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा से ये मुराद है कि सबसे पहले जो डेट होल्डर्स को पैसा मिलेगा, उसके बाद प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो आपको मिलेगा. सो यू आर टेकिंग मच मोर रिस्क व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, और दैट्स व्हाई योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इवन हायर. And we normally take the return to be 20%. So just a refresher on risk. The market only compensates the investor to the extent that he will receive extra return for extra market risk he takes on by investing in a new stock. Right, so the market only compensates the investor to the extent that he will receive extra return from extra market risk he takes on by investing in the stock. राइट, हमने देखा था कि जब एक इन्वेस्टर, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देख हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे. देखिए अगर हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया या तो हमारा रिस्क ज़्यादा है बिकॉज वो कंपनी फेल हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें और हो सकती है उसके साथ, सो वी आर एट रिस्क. अगर हमारे पास 10 लाख रुपया उसके हम सारे का सारा पैसा एक कंपनी में लगा रहे हैं, वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क. अगर हम वही 10 लाख रुपया 7 कंपनीज में लगाते हैं जिनके ऐसे जिनकी जो मूवमेंट्स हैं वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब कि एक कंपनी अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जा रही है, तो वी सी ऑल द कोरिलेशंस. रिमेंबर द कोरिलेशन मैट्रिक्स विच वी डिड इन द लास्ट लेक्चर. लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम 3 से ज़्यादा एसेट जितने भी ज़्यादा हों, वी जस्ट हैव टू इंक्रीज द रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स एंड वी कैन हैव द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ एज मैनी. बेसिकली कोरिलेशन मैट्रिक्स से हमें रिस्क का पता चलता है, हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क है, और उस रिस्क में हम सबसे पहले वेरियंस देखते हैं, उसके अलावा हम कोरिलेशन को वेरियंस भी देखते हैं कि एक तो वेरियंस है कि कितने आपका जो वेरियंस से क्या मुराद, वेरियंस स्टैंडर्ड एविएशन इज वेरियंस, इफ यू टेक अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, सॉरी अंडर रूट ऑफ वेरियंस वी गेट स्टैंडर्ड एविएशन. एंड स्टैंडर्ड एविएशन टेल्स अस के आपके जो रिस्क हैं, आपका जो आउटकम, सॉरी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, उनका स्प्रेड कितना है. हमने देखा था अगर स्प्रेड ज़्यादा है तो आपका स्टैंडर्ड एविएशन ज़्यादा होगा, अगर आपका स्प्रेड कम है तो आपका स्टैंडर्ड एविएशन कम होगा. ऑब्वियसली अगर आपकी स्टैंडर्ड एविएशन ज़्यादा है तो यू विल रिक्वायर मोर रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ कंपनी हुज स्टैंडर्ड एविएशन इज हाई, बिकॉज आपका जो फ्यूचर में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो आपकी कैश फ्लो की पॉसिबिलिटी है, वो रेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है. सो इसके अलावा हमने देखा कि कोरिलेशन इफेक्ट्स दैट, कि अगर दो एसेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, एंड इफ वी कीप ऑन एडिंग एसेट्स लाइक दैट टू आर पोर्टफोलियो, दैट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो. आई गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स, मैंने देखा, आई शो यू ग्राफ्स, मैंने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में ग्राफ्स भी दिखाए थे जिसमें आपको बताया था कि अगर एक एसेट है तो उसका रिस्क कितना है, अगर हम दो एसेट करते हैं ऐड करके उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन से तो आपका रिस्क कैसे डिक्रीज होगा, अगर 3 है नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स तो उस रिसेंट रिटर्न डायनामिक्स कैसे कंप्लीट हो रहे हैं. अगर इफ़ यू आर बिट ट्रस्टिंग ऑन डैट, गो बैक टू द लास्ट फ्यू लेक्चर्स, एंड हमने कैपिटल मार्केट लाइन में ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में की है. एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज जस्ट गो बैक टू द लास्ट फ्यू लेक्चर्स, रीड थ्रू योर नोटबुक, एंड अगर वो उसके अलावा भी अगर आपको मुश्किल कॉन्सेप्ट लगता है कोई तो सर्च फॉर इट ऑन इंटरनेट एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हेल्प देयर. सो दूसरी हमने ये बात देखी थी कि ऑल द इन्वेस्टर्स ऑन द कैपिटल मार्केट लाइन आर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स, इससे मुराद ये है कि उनने 40 या 40 से ज़्यादा स्टॉक्स में या एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. अगर 40 से 40 ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो दैट मीन्स दैट किसी एक, मतलब ये जो रेंडम आपकी जो एक एसेट का रिस्क होता है, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट एनी मोर. जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है वो कम्प्लीटली डाइवर्सिफाई हो जाएगा एंड यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द मार्केट रिस्क. अब जब आप कोई और एसेट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आप उसका सिर्फ बेटा देखेंगे कि इसको ऐड करने की वजह से मेरा मार्केट रिस्क कितना चेंज हो रहा है. बेटा क्या था? वी सेड दैट बेटा इज ए
बेटा हमें ये बताता है कि आपका जो एसेट है वो मार्केट मार्केट से कैसे कोरिलेट करे। अगर मार्केट पॉजिटिवली मार्केट एक पॉइंट बढ़ता है तो आपका बेटा आपका जो एसेट है वो अगर वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो वो कोई भी नंबर अगर परफेक्टली कोरिलेटेड है मार्केट के साथ तो आपका जो एसेट होगा वो भी जो मार्केट का जो बेटा होगा वो भी एक होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका आपकी मार्केट एक पॉइंट ऊपर जाती है तो आपका आपको जो एसेट है वो भी एक पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था मेजोरिटी ऑफ द बेटा जो कंपनी स्टॉक मार्केट कराची स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो 0.6 है। इसका मुराद है इसका मतलब ये है कि अगर आपका बेटा एक पॉइंट आपका जो मार्केट एक पॉइंट इंक्रीज करती है तो आपकी कंपनी का जो शेयर है वो 0.6 इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब कि जब मार्केट इंक्रीज कर रही है तो अगर एवरेज बेटा 0.6 है कराची स्टॉक एक्सचेंज पे दैट मीन्स वेन एवर द मार्केट इंक्रीज योर योर आपका जो भी एसेट है आपका जो भी स्टॉक है वो भी इंक्रीज कर रहा है। सो वी गॉट स्टार्टेड ऑन दैट। हाउएवर द मार्केट विल नॉट पे द इन्वेस्टर एनी एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर टेकिंग एनी अननेसेसरी रिस्क इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज ओन रिस्क। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें सो दैट्स वाई मार्केट वॉन्ट्स यू टू बी अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर। अगर आपके पास आपके आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिमेंबर दैट ट्राई टू बाई एटलीस्ट 7 स्टॉक्स विच आर अनकोरिलेटेड और बाय 40 स्टॉक्स विच आर अनकोरिलेटेड। अगर 40 आप बाय करते हैं तो यू हैव कम्प्लीटली एलिमिनेटेड द कंपनीज ओन रिस्क। आप सिर्फ मार्केट रिस्क इफेक्ट होंगे कंपनी के रिस्क इफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप सेवन अगर आपके पास अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो अगर आप चाहते हैं कि कम शेयर्स में बाय करूं तो यू कैन बाय 7 नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स एंड अगर आप 7 नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स बाय करेंगे देन इट्स नॉट देन यू गेट रिड ऑफ मैक्सिमम ऑफ द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। Right, and therefore it's best for investors to act rationally and to maintain diversified portfolios of many stocks, and in this manner they can eliminate the company's own risk and they can make investments in stock at a lower rate required rate of return. Right, so investors ke liye best yahi hai ki wo diversified portfolios banaye stocks ke jaise ki diversified se murad hai ki at least invest in 40 stocks और अगर आप 40 में नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ कोशिश करें कि एटलीस्ट 7 स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें ताकि आपका मेजोरिटी ऑफ द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क खत्म हो जाए। और अगर आपका कंपनी स्पेसिफिक रिस्क ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा तो देन यू जो इन्वेस्टमेंट जो आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम हो जाएगा बिकॉज यू आर जस्ट अफेक्टेड बाय द मार्केट रिस्क नॉट द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। राइट, और इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब कम होगा तो यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ बाइंग स्टॉक्स। So this will be quite clear from doing some examples which I will do in this in the next few lectures कि अगर आपका required rate of return कम है तो कैसे आपकी जो possibilities है investments की वो बढ़ जाती हैं और आपके returns better हो जाते हैं। So I'll do the examples in the next few lectures and today's lecture. Market portion of risk can be represented through the beta coefficient and it is the cornerstone of capital asset pricing model. राइट, सो मैंने आपको बताया था कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट पोर्शन ऑफ द रिस्क कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू बेटा कोफिशिएंट। जो मार्केट पोर्शन हमने देखा था कि दो पोर्शन होते हैं रिस्क के, एक सिस्टमैटिक या स्टॉक का अपना रिस्क होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टॉक की इंटरनली आपकी मार्केटिंग आपकी प्रोडक्ट आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी की सब चीज़ों आपके सीईओ आपकी ह्यूमन रिसोर्स उस सब पे जो डिपेंड करेगा रिस्क वो आपका कंपनी स्पेसिफिक या सिस्टमैटिक रिस्क होगा। और दूसरा मार्केट रिस्क होगा जो उस पे डिपेंड नहीं करता जो जो मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट मैंने आपको बताया था मार्केट इज़ ह्यूज और मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मोस्टली आते हैं जिसमें मैं आपको मैंने बताया था इन्फ्लेशन से इफेक्ट होती हैं कंपनीज, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट होते हैं, उसके अलावा अगर मार्केट में रिसेशन है या फिर बूम है तो उससे डिफरेंट फर्क पड़ते हैं। फाइनली अगर आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं उससे फर्क पड़ते हैं एंड इफ़ द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर अगर टेररिज्म ज़्यादा है तो उससे भी इस पर फर्क पड़ता है। सो हम जो बेटा है वो हमें बताते हैं कि मार्केट के साथ हमारा जो स्टॉक है वो कैसे मूव करता है। एंड लास्ट टाइम आई गिव यू एन इंडिकेशन कि हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हम कोई भी स्टॉक उठाते हैं उसका पिछले 3 साल या 5 साल का डेटा लेते हैं जो उसकी प्राइस में देखें। एक स्टॉक अगर एंग्रो का स्टॉक है तो पिछले 5 साल में हम देखेंगे कि हर महीने उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। हम अगर एक महीने जनवरी की जो फरवरी की प्राइस है पहले साल की फरवरी की जो प्राइस है उसमें से हम जनवरी की प्राइस माइनस करते हैं तो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, एक इंडिकेशन आ जाता है।
सो अब हम जान सकते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज में हम जो जितने भी जो सारे शेयर्स हैं उनकी जो इंडेक्स स्टॉक होता है, कराची स्टॉक इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है कि आपकी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मतलब जितने भी स्टॉक्स वहाँ पर मौजूद हैं वी टेक इट एज मार्केट पोर्टफोलियो। और हम ये देखते हैं कि जो हमारी पूरी इंडेक्स में कितनी चेंजिंग आई, और हम जो उसी पीरियड के फेबरी में फेबरी का जो फेबरी की जो हमारी इंडेक्स का इंडेक्स के पॉइंट्स थे उसमें से हम जनवरी के जब माइनस करते हैं तो चल जाता है कि हमारी इंडेक्स में इतनी चेंजिंग हुई। सो हम ये देखते हैं कि हम ये अगर ऐसे हम करेंगे तो हमारा अगर हम 5 साल के डेटा देखते हैं मंथली डेटा, तो हमारे पास 59 पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमें एक इंडिकेशन दे देंगे कि जो हमारी कंपनी की जो जो सॉरी कि वो हमें एक इंडिकेशन दे देंगे कि जब मार्केट हमारे पास मार्केट के भी 59 पॉइंट्स आ जाएंगे और हमारे पास स्टॉक के भी 59 पॉइंट्स आ जाएंगे। जब भी हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे पास दो 59 पॉइंट्स आ गए जो मैं बता रहे हैं कि क्या मूवमेंट्स, एक तरफ हमें पता चल रहा है कि स्टॉक्स की क्या मूवमेंट हुई, एक तरफ हमें पता चल रहा है कि हमारी मार्केट की क्या मूवमेंट्स हुई। सो ये डिटेल जब हमारे पास आती है तो वी कैन रन अ रिग्रेशन, हम रिग्रेशन रन करके देख सकते हैं कि ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं ये इकट्ठी मूव हो रही हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कितनी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो कितनी नेगेटिव है। आई आई एम क्वाइट श्योर यू हैव टेकन अ स्टैटिस्टिक्स कोर्स एंड यू आर क्वाइट एंड यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ व्हाट आर रिग्रेशन इज। अगर रिग्रेशन एनालिसिस में हम सब चीज़ें देखते हैं, और मैं अभी इस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिग्रेशन एनालिसिस में बता दूंगा कि ये कैसे होता है, लेकिन आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल जितने स्टैटिस्टिक्स ले जाते हैं तो मैं नहीं चाहूँगा। इफ़ यू आर अ बिट रस्टी इन रिग्रेशन एनालिसिस गो बैक टू योर स्टैटिस्टिक्स बुक एंड रीड दैट अगेन और सर्च रिग्रेशन एनालिसिस ऑन इंटरनेट एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ देयर। सो उससे हमें पता चलता है कि रिलेशनशिप क्या है, जो रिग्रेशन का बेटा एक तो इंटरसेप्ट होता है, वही इंटरसेप्ट का भी इंटरसेप्ट भी हमें कुछ बताता है, बट आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। हम सिर्फ कंसर्न है जो उसका स्लोप होता है, जो भी एक एक लाइन जो भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसका उसकी दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होती है कि उसका इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है कि कहाँ पे वो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, इंटरसेप्ट क्या है, एंड सेकंड चीज़ हमें वो चाहिए होती है कि उसका स्लोप क्या है। अगर स्लोप उसका पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ लाइन जा रही होती है, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ लाइन जा रही होती है, अगर अगर स्लोप उसका पॉजिटिव इसी तरह इस तरह हमें पता चलता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है, अगर बहुत ज़्यादा स्टीप हो तो इसका मतलब कि बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर फ्लैट हो तो इसका मतलब है कि इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। सो दीज आर द मेनी थिंग्स, उसके अलावा डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं, लेकिन हम वी आर स्टिकिंग विद लीनियर मॉडल से। सो बेटा बेटा की हमने डिस्कशन की, व्हाट इज बेटा, सो बेटा बेटा में पता चलता है फ्रॉम द स्लोप ऑफ रिग्रेशन। आई विल डू अ रिग्रेशन इन दिस इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स एंड यू विल गेट टू नो अबाउट रिग्रेशन स्टफ, राइट। सो एज आई टोल्ड यू बेटा इज अ टेंडेंसी ऑफ अ स्टॉक टू मूव विद द मार्केट और पोर्टफोलियो ऑफ ऑल स्टॉक्स इन द मार्केट, पोर्टफोलियो ऑफ ऑल स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट। सो इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कैपम। सो मैंने जैसे आपको बताया कि बेटा से हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट के साथ मूव कर रहा है, अगेंस्ट मूव कर रहा है, अगर साथ कर रहा है तो कितना, अगर अगेंस्ट कर रहा है तो कितना अगेंस्ट मूव कर रहा है, राइट। सो दिस इज वन इक्वेशन आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, टोटल रिस्क इज इक्वल टू डाइवर्सिफाइबल रिस्क प्लस मार्केट रिस्क। सो डाइवर्सिफाइबल रिस्क में वो रिस्क है जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, एज आई टोल्ड यू दिस इज द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद द कंपनी विद द कंपनीज, वो कंपनी के अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, उनकी मैनेजमेंट की वजह से, उनके प्रोडक्ट की वजह से, सप्लाई चेन की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से जो रिस्क होते हैं वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क होते हैं। इफ यू इन्वेस्ट इन 7 assets विच आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, you minimize most of the diversified risk, but if you want to completely eliminate it you have to invest in at least 40 assets to completely eliminate this diversifiable risk. And uske alawa market risk hota hai jo market ke sath maine aapko bataya tha, jo macroeconomic factors isme inflation, recessions, booms, uske alawa political situations, वॉर्स एंड स्टफ लाइक दैट, उससे जो हमारे इसकी वजह से जो रिस्क होता है वो मार्केट रिस्क होता है। सो एज आई टोल्ड यू कि जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर होता है वो इस रिस्क को कम्प्लीटली डाइवर्सिफाई कर लेता है, ही डाइवर्सिफाइज द डाइवर्सिफाइबल रिस्क, सो ऑल इज इंटरेस्टेड, सो ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन द मार्केट रिस्क, एंड वो सिर्फ ये देखता है कि मार्केट रिस्क क्या है और मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा है एंड हाउ टू गेट एंड हाउ मार्केट से वो कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो अगर मार्केट रिस्क किसी एक स्टॉक को ऐड करने की से बढ़ रहा है तो वो देखता है कि हर स्टॉक का मार्केट रिस्क क्या है और उसकी बेसिस पे अपना रेट ऑफ रिटर्न चेंज करता है, ही इज नॉट कंसर्न अबाउट दिस रिस्क, राइट। सो ऑल द रैशनल इन्वेस्टर्स आर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स,
And all the diversified investors are based on the capital market line, or own the capital market line, which we saw in the last lecture. Right, so हमने total stock yield, total stock return की जब बात करते हैं उसमें dividend yield आती है और capital gain yield आ जाती है. We've done that dividend yield जो हमारे dividends की वजह से, उसके अलावा जो growth की वजह से yield है, that's called capital gain yield. That's Gordon model हम देख चुके हैं पहले भी. Right, so coming to stock risk versus stock beta. Well, so stock risk क्या होता है? Stock risk, it is a statistical spread of possible returns or volatility for that stock. So the statistical spread of possible returns or volatility for that stock. देखिए, स्टॉक रिस्क बेसिकली मैं आपको बता, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने, जो आपको रिटर्न्स मिलने, जो उसकी उसका स्प्रेड है, अगर स्प्रेड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपके जो मीन से जो चांस है आपके रिटर्न का, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, वो ज़्यादा है. सो दैट्स वाई आपकी स्टैंड डेविएशन या आपका स्टॉक रिस्क ज़्यादा होगा. सो स्टॉक रिस्क इन सिंपल टर्म्स इज स्टैटिस्टिकल स्प्रेड ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स वॉलीटिलिटी ऑफ दैट स्टॉक, या आपके मीन से जो आपके पॉसिबल रिटर्न्स है वो कितना, उसका स्प्रेड क्या है. एंड सेकेंड थिंग इज स्टॉक बेटा. It is statistical spread of possible returns or volatility for that stock relative to the market spread, that is spread or volatility of fully diversified market portfolio or index. So इसमें second चीज़ जो stock beta में देखते हैं, it's a statistical spread of possible returns, that is also a statistical spread of possible returns for the stock, but that is relative to the market spread. हम देखते हैं कि मतलब कि market में अगर spread इतना होता है तो stock में कितना spread होगा, positive spread होगा, negative होगा. So this is what stock beta is, we have been discussing a lot. That is spread volatility of fully diversified market portfolio or index. So यहाँ पे again remember that the investor is fully diversified. Investor has a fully diversified portfolio. और जो हमारी index है, हम उसको as the market portfolio यहाँ पे लेंगे. But stock risk versus stock beta. Beta coefficient of individual stocks are published in beta books by stock brokerages and rating agencies. Right, अगर आप बेटा हमें मिलता है कहाँ से कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, ये जो मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज हैं स्टॉक एंड रेटिंग एजेंसी जिनकी मैंने आपको कुछ बताया भी था, उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको बेटा आसानी से मिल जाएंगे. उनने कैलकुलेट किए हुए होते हैं बड़ी डिटेल में, उसमें लेवर्ड बीटा होता है, अनलेवर्ड बीटा, बेटा के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, बट वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन बेटा. हम बाकी उसके नंबर्स में नहीं जा रहे कि वो कैसे फाइंड हो रहा है या कैसे नहीं हो रहा. सो जो बेटा अगर आपने, आप अगर किसी भी कंपनी के बेटा में इंटरेस्टेड, आप उस कंपनी का नाम लिखें और साथ लिखें कि व्हाट इज़ द बेटा ऑफ दिस कंपनी इन गूगल, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट बिकॉज गूगल इज़ क्वाइट गुड एट सर्चिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स. अगर आप ये इंटरनेशनल कंपनीज का या अमेरिकन कंपनीज या यूके कंपनीज का या कोई और इंटरनेशनल कंपनीज का देखना चाहते हैं बेटा, तो मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल इन याहू फाइनेंस पर आपको मिल जाएंगे. जस्ट गो टू द याहू फाइनेंस पेज एंड स्टार्ट लुकिंग, आपको वहाँ से पता चलेगा कि बेटा आपको कैसे मिलेगा. उसके अलावा ब्लूमबर्ग पे आपको इसके अच्छे एस्टिमेट्स मिल जाते हैं, जो बेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, स्टफ लाइक दैट. अगर पाकिस्तान के देखना चाहते हैं तो गो टू द स्टॉक ब्रोकरेज रेटिंग एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो बेटाज आर मोस्टली कैलकुलेटेड एंड यूज, एंड मोस्ट कंपनीज यूज दोज बेटाज फॉर एनालिसिस, एनालिस्ट भी उसी को यूज़ करते हैं. एक तो ये तरीका आता है, सेकेंड ये है कि बेटा को असल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आई विल टेल यू दैट. मार्केट, राइट, सो व्हाट इज़ द मार्केट. हम जो मार्केट पोर्टफोलियो, मैंने बताया था मार्केट पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो होता है जिसमें मार्केट पे जितने भी शेयर्स होते हैं वो सारे के सारे मौजूद हों, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ओवरऑल मार्केट का रिटर्न क्या है, ऐसी कोई चीज़ तो वो मार्केट पोर्टफोलियो में आती है. लेकिन ऐसी कोई भी मार्केट नहीं हो सकती जिसमें सारे के सारे शेयर्स आ सकें. सो हमें एक प्रॉक्सी लेनी पड़ती है कि जिसमें मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स मार्केट के आते हों. तो अगर हम प्रॉक्सी लेंगे तो पाकिस्तान में प्रॉक्सी लेने के सबसे बेहतर हमारे पास कराची स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें हमारी बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी लिस्टेड हैं. सो व्हाट वी डू इज, इट इज़ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट. हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, फॉर एग्जांपल कराची स्टॉक एक्सचेंज के सी 100 इंडेक्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ स्टॉक्स बट नॉट ऑल स्टॉक्स. देयरफॉर इट इज़ नॉट फुली परफेक्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बट इट इज़ अ गुड प्रॉक्सी. दैट्स वाई वी हैव टू टेक कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स. अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में हमारा जो मार्केट इंडेक्स होगा क्या होगा. अमेरिका में अगर देखा जाए तो उनकी जो सबसे अगर पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करती है तो स्टैंडर्ड एंड पूअर 500, जो 500 स्टॉक्स हैं S&P 500, वो हम एज अ मार्केट पोर्टफोलियो लेते हैं, बिकॉज उसमें जो उनकी सबसे बड़ी 500 कंपनीज हैं उनके शेयर्स आते हैं, और फिर उससे हमें एक इंडिकेशन मिलती है मार्केट की. सो वी यूज़ S&P 500 एज द मार्केट स्टॉक इन अमेरिका, बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान वी यूज़ KSE 100 इंडेक्स. राइट,
Market carries risk. It moves up and down because of macroeconomic factors, inflation and general interest rates, and political changes. Therefore, the market has some expected rate of return, which changes with time because of there is a possibility of different outcomes, right? So हम बात करते हैं कि मार्केट में भी रिस्क होता है. इट मूव्स अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से फर्क पड़ता है. अगर इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी तो उसके उसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. अगर इन्फ्लेशन लो तो होगी है तो उसे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है. जनरल इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होते हैं तो उसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स करना उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं. बिकॉज ऑल ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स जिनके लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा मोस्टली या तो बॉन्ड्स की जरूरत में मिलेगा, या तो आप स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करें. सो इन दोनों सिचुएशंस में अगर जनरल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो योर ओवरऑल रेट ऑफ ओवरऑल द ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई योर कंपनी इज अफेक्टेड बाय दैट. एंड पॉलिटिकल चेंजेस वो बात कर चुके हैं. देयरफॉर द मार्केट हैज सम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच चेंजेस विद टाइम बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स. सो मार्केट का भी एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जो चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द मेनी फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए, जो डिफरेंट आउटकम्स को बताते हैं. देर आर नो फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज इन रियालिटी. सो आई जस्ट टोल्ड यू देर आर नो फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन रियालिटी. द कैपएम इज बेस्ड ऑन द प्रोमिस मार्केट बेटा टू बी इक्वल टू वन. देखिए, अगर कोई फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मार्केट का हो तो उसका जो बेटा होगा वो वन के इक्वल होगा. इसमें इसलिए उसमें पूरी मार्केट आती है. लेकिन हमारे पास हमने जैसा कि देखा कि उस कोई भी फुली डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो नहीं होता. दैट्स वाई वी टेक क्लोज प्रॉक्सीज, एंड इन दिस केस वी टेक KSE 100. वी कैन देन लुक एट डिफरेंट बेटाज एंड कंपेयर देम विद द मार्केट्स, राइट. अगर हम मार्केट के जो बेटा को वन के इक्वल देखते हैं तो फिर हम बाकी जितने भी बेटाज हमारे पास आते हैं उनको हम कंपेयर करेंगे मार्केट बेटा से, और फिर हम देखेंगे कि इससे कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, कि क्या इसे हमें पता क्या चलता, राइट. मीनिंग ऑफ बेटा का शेयर ABC इन क्वासी स्टॉक एक्सचेंज, राइट. सो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बेटा अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकरेज की वेबसाइट पे जाते हैं या फिर याहू फाइनेंस पे जाते हैं और आपको पता चलता है कि इस कंपनी का बेटा इतना है, व्हाट डज दैट नंबर मीन, उस नंबर का मतलब क्या है. सो आप देखते हैं कि इफ शेयर इज बेटा इज इक्वल टू टू. अगर कोई भी एक शेयर हम लेते हैं उसका बेटा हम कहीं से पता चलता है कि टू है, या फिर आप फाइंड आउट करते हैं रिग्रेशन पूरा रन करके और आपको पता चलता है कि बेटा टू है, देन दैट शेयर इज ट्वाइस एज रिस्की और वॉलेटाइल एज द KSE मार्केट. देन जो वो शेयर होगा वो ट्वाइस एज रिस्की होगा मार्केट से. कैसे, लेट मी जस्ट शो यू. इफ अगर KSE, बिकॉज KSE का बेटा कितना है वन, और जो हमारे पास ये स्टॉक है इसका बेटा कितना है टू, एज आई टोल्ड यू टू, इसका बेटा टू है. तो फिर हम देखते हैं कि हम ही कह रहे हैं कि अगर बेटा टू है, KSE का बेटा हमने देखा है जो मार्केट बेटा वन देख रहे हैं, तो अगर ये टू बेटा, व्हाट डज इट मीन, दैट मींस दैट द शेयर इज ट्वाइस एज रिस्की और वॉलेटाइल एज द KSE मार्केट. दैट इज इफ द KSE 100 इंडेक्स मूव्ड अप 10% इन वन ईयर, कि अगर KSE 100 इंडेक्स एक साल में 10% ऊपर जाती है, देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा द प्राइस ऑफ द शेयर बी वुड मूव अप 20% इन वन ईयर. सो अगर बेटा टू है तो अगर हमारी जो मार्केट है वो 10% एक साल में मूव करती है, तो उसका मतलब है कि हमारा जो शेयर है वो 20% मूव करेगा. दैट्स वेल एंड गुड, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हमारी मार्केट 10% लूज करती है तो ऑन एवरेज जो हमारा शेयर है वो जो अगर मार्केट 20% 10% लूज करती है तो हमारा जो ये स्पेसिफिक स्टॉक है वो 20% लूज करेगा, वो -20% रिटर्न लेगा. सो जितना जो भी मार्केट का रिटर्न आएगा उससे डबल वॉलेटिलिटी है इसके अंदर. सो इट्स अ रिस्की शेयर, इट कैन मेक यू मनी बट इट कैन लूज यू लॉट ऑफ मनी इज वेल. सो द योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी हाई फॉर द स्टॉक, राइट. इफ द शेयर इज बेटा इज वन, अगर कोई शेयर उसका बेटा एक्जैक्टली वन के इक्वल है, देन दैट शेयर इज एक्जैक्टली एज रिस्की और वॉलेटाइल एज अक्रॉस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. अगर बेटा वन के इक्वल है तो वो शेयर उतना ही वॉलेटाइल या रिस्की जितनी कि हमारी KSE मार्केट है. इफ शेयर सीज बेटा इज इक्वल टू 0.5, देन द शेयर इज ओनली हाफ एज रिस्की एज वॉलेटाइल एज द KSE मार्केट. अगर हमारा बेटा 0.5 है तो जो शेयर हमारा है वो हाफ एज रिस्की होगा. कैसे, कि अगर 0.5 हमारा बेटा है तो अगर मार्केट 10% मूव करती है, 10% इंक्रीज करती है एक साल में, तो हमारा जो शेयर है वो 5% इंक्रीज करेगा. लेकिन अगर मार्केट लूज करती है 10% एक साल में, तो हमारी जो शेयर की प्राइस है वो 5% डिक्रीज होगी, वो 10% डिक्रीज नहीं होगी. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ बेटा. दैट्स हाउ टू इंटरप्रेट दिस बेटा.
इफ यू कुड फाइंड ए शेयर डी विद बेटा माइनस वन, अगर किसी शेयर का अभी हमने अभी तक हमने जो भी जितने भी शेयर के बेटा देखे वो पॉजिटिव देखे, नाउ वी कम टू इफ यू कुड फाइंड ए शेयर डी विद बेटा माइनस वन देन दैट शेयर वुड बी एग्जैक्टली एज वोलेटाइल एज अ केएसई मार्केट. अगर हम देखते हैं वी फाइंड अगर हमें एक शेयर डी मिलता है विद बेटा माइनस वन जिसका बेटा माइनस वन है तो वो जो शेयर होगा वो एग्जैक्टली एज वोलेटाइल एज अ केएसई मार्केट होगा. जितनी हमारी केएसई मार्केट है उतना ही वो वोलेटाइल होगा. बट इन द ऑपोजिट वे, बट इन द ऑपोजिट वे हाउ देखें, इफ द केएसई मार्केट इंडेक्स मूव्ड ऑफ 10% देन द प्राइस ऑफ द शेयर वुड मूव डाउन बाय 10%, राइट. सो अगर मार्केट ऊपर मूव करती है 10% तो वो डाउन करेगा 10%, अगर मार्केट नीचे मूव करती है 10% तो वो ऊपर मूव करेगा 10%. सो दैट्स व्हाट बेटा टेल्स अस. मीनिंग ऑफ बेटा फॉर शेयर्स ए बी सी इन कराची स्टॉक एक्सचेंज, द बेटा ऑफ मोस्ट कंपनीज रेंजेस बिटवीन 0.5 एंड प्लस 1.5. सो बेटा की जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 से प्लस 0.5 तक है. द एवरेज बेटा फॉर ऑल स्टॉक्स इज इक्वल टू बेटा ऑफ द मार्केट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो हमने देखा था एवरेज बेटा फॉर ऑल स्टॉक्स, ऑब्वियसली देखें जो एवरेज बेटा ऑल स्टॉक्स होगा वो इक्वल होगा 1 के, बिकॉज सारे स्टॉक्स की बात की जा रही है जहाँ पर अगर सारे स्टॉक्स का बेटा हम ऐड करके उसको एवरेज करेंगे तो वो मार्केट के बेटा बन जाएगा. फिर पूरी मार्केट देखें, एक स्टॉक का बेटा हो सकता है 0.5 हो, 0.1, 0.5, 1.5 वो कुछ भी हो, लेकिन जब हम पूरी मार्केट का बेटा देखते हैं तो हमने क्या देखा था कि वो इक्वल था 1 के इक्वल था. और हम सारे स्टॉक्स लेते हैं और उनकी एक एवरेज निकालते हैं बेटा की तो वो 1 के इक्वल होगा, बिकॉज दैट इज द मार्केट पोर्टफोलियो देन जिसमें सारे स्टॉक्स आ जाते हैं. आवर अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग द बेटा विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट अस अज्यूम दैट वी एनालाइज द मूवमेंट्स इन केएससी इंडेक्स फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स. सो वी आर टेकिंग अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स है. सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालाइज द मूवमेंट्स देखते हैं केएससी इंडेक्स फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स. अब यहाँ पे हम ईयरली मूवमेंट्स भी देख सकते हैं और मंथली भी, डेली भी, वी हैव ऑल द डेटा, लेकिन चूज द मंथली मूवमेंट्स बिकॉज अगर आप ईयरली मूवमेंट्स लेंगे तो आपके पास डेटा पॉइंट्स बहुत कम होंगे, रिग्रेशन रन करने से आपको कोई रेलेवेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा. अगर आप डेली मूवमेंट ले लेते हैं तो उसमें नॉइज बहुत ज़्यादा आ जाता है कि डेली उस डेली में देखें कि मार्केट में तो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट्स होती रहती हैं बिकॉज कोई ना कोई शेयर तो बाय हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा. सो मार्केट में तो मूवमेंट हर वक्त होती रहती है, इसको मार्केट में चेंज हो रहा है. लेकिन आप अगर देखें, अगर हम शेयर्स को देखते हैं तो शेयर्स में कई शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें कई दिनों तक कोई ट्रेड होती ही नहीं, उसके बाद कोई उसके शेयर्स बाय करना शुरू करते हैं लोग, फिर सेल करना शुरू करते हैं लोग. लेकिन कई टाइम पीरियड कितना कुछ टाइम पीरियड ऐसा भी जाता है जिसमें कोई ट्रेड नहीं. फिर ऐसी दो चीज़ों को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होगा, एक में जिसमें जिसमें डेटा हमारे पास क्वाइट कंटिन्यूस है कि मार्केट का डेटा हर वक्त चेंजिंग अवेलेबल है, लेकिन शेयर की अगर इंडिविजुअल शेयर को देखें तो उसकी काफ़ी अर्से तक कोई मूवमेंट नहीं, फिर मूवमेंट आई, फिर मूवमेंट नहीं, फिर मूवमेंट आई. अगर हम डेली ले लेते हैं उससे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हमारे रिग्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा. दैट्स वाई वी टेक द बेस्ट थिंग इज टू टेक मंथली रिटर्न्स फॉर 5 इयर्स. अब मंथली रिटर्न्स 5 साल के लिए लें, 5 साल के लिए लें दोनों के, मार्केट रिटर्न भी ले लें और स्टॉक के रिटर्न भी ले लें इनकी. यहाँ पे मेरे से 3 इयर्स लिखा है, लेकिन इट्स बेस्ट इफ़ यू टेक 5 इयर्स. अगर आप 5 इयर्स लेंगे तो आपके पास 12.5 होते हैं, 12 × 5 = 60. 60 हमारे पास नंबर्स नहीं आएंगे बिकॉज हम फरवरी से माइनस करेंगे जनवरी के स्टॉक प्राइस को या फिर इंडेक्स प्राइस को. तो दैट्स वाई वी गेट 59 पॉइंट्स, वी डोंट गेट 60 पॉइंट्स. जो हमारे 59 पॉइंट्स दोनों मार्केट के भी 59 पॉइंट्स आ गए और हमारे पास दूसरे स्टॉक के भी 59 पॉइंट्स आ गए. देन वी जस्ट हैव टू पुट दोज नंबर्स इन एक्सेल और एनी अदर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक SPSS and EVUs or R programming language. So there are many statistical softwares available. Once you do that, you will find you will find the numbers of the regression or just slope of regression, that is beta. So let's see that. We also analyze the price movements of the stock A in KSC for the same period of 3 years. We look at the change in price of the stock and compare it to the change in price in the market for each year. For each one of the 3 years separately, we can do that separately. We can do that all together. If you are doing a regression, then you can do that all together. And then we plot those points on a graph where the expected return of the stock on the y-axis and the expected return of the market is on x-axis. We are using the price of the stock and the value of the index as representative measures for the expected return. Right. So that is. So
बेसिकली हम जब वो अगर हम आप रिग्रेशन रन करेंगे तो आपके पास देखें रिग्रेशन से शायद आप सोच रहे हो कि वो भी बहुत मुश्किल चीज़ है. इट्स नॉट अ हार्ड थिंग. यू जस्ट हैव टू टेक द रिटर्न्स. वो रिटर्न्स के जो नंबर्स आएंगे आप एक्सेल में भेजकर चले जाते हैं. तो आप एक को आप एक्स बना दें, एक को आप उन दोनों को बना एक्स या वाई वेरिएबल बना के दोनों की वैल्यूज आप रखते हैं वहाँ पे. उनको आप चूज करें और आप उसको राइट क्लिक करके वहाँ पे रिग्रेशन उसका रन करके देखें या उसके ऑप्शंस में रिग्रेशन होगा. एक्सेल में बड़ी आसानी से रिग्रेशन आ जाता है. तो रिग्रेशन में या तो आपको नंबर्स में जो आपको नंबर्स भी वो दे देता है, उस तरह का ग्राफ भी बना के दे देता है. इस तरह का वो ग्राफ बना के दे देगा जिसमें आपको लाइन बता देगा कि आप वट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. आप ये देखना चाहते हैं ना कि जब आपकी मार्केट मूव होती है तो स्टॉक कितना मूव होता है, तो आपको रिलेशनशिप बता देगा, आपका इंटरेस्ट बता देगा, आपको स्लोप बता देगा. सो रिग्रेशन इज नथिंग टू बी अफेंडेड ऑफ. इट इज़ वेरी इजी. अगर आपने फाइनेंस में काम करना है तो रिग्रेशन से बहुत वास्ता पड़ेगा. बिकॉज अगर जब भी हमने दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप देखनी है तो रिग्रेशन एनालिसिस इज़ द मोस्ट वैलिड थिंग एंड इज़ द मोस्ट फेमस थिंग विच इज़ यूज फॉर दैट. सो गेट यूज टू ऑफ रिग्रेशन एंड डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो दैट कैलकुलेटिंग स्टॉक बेटा ग्राफिकली लीनियर रिग्रेशन और लीस्ट स्क्वेयर फिट थ्रू एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स. अच्छा सो यहाँ पे इन्हें 3 ईयर डेटा लिया है. अगर आप चाहें तो 5 ईयर्स ले सकते हैं. अगर 5 ईयर्स का डेटा लेंगे मंथली डेटा यू विल गेट मच बेटर रिजल्ट. सो आई वुड रिकमेंड दैट. सो देखिए जहाँ पे ये वाला जो जहाँ पे ये वाई एक्सिस को ये लाइन टच करती है दैट इज़ आवर इंटरसेप्ट. दैट इज़ आवर इंटरसेप्ट. एंड जो इस लाइन का ये स्लोप है, स्लोप ये स्लोप है लाइन का कि जब यहाँ पे एक्स में इतनी चेंजिंग होगी तो वाई में कितनी चेंजिंग होगी, ये हमें एक स्लोप से पता चलता है. अगर वाई में इतनी चेंजिंग हुई तो एक्स में कितनी चेंजिंग होगी, ये हमें स्लोप से पता चलेगा. तो ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि अगर एक्स में इतनी चेंजिंग हुई तो वाई में कितनी चेंजिंग होगी, अगर वाई में इतनी चेंजिंग हुई तो एक्स में इतनी चेंजिंग होगी. दैट्स वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन. वी आर इंटरेस्टेड हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ स्टॉक इंडेक्स मार्केट में इतनी चेंजिंग होती है तो जो हमारा स्टॉक है उसमें कितनी चेंजिंग होगी, वो ये चेंज बता रहा है. सो स्लोप टेल्स अस दैट. स्लोप टेल्स अस बेटा इज इक्वल टू चेंज इन वाई. चेंज इन वाई ये जो साइन है ट्राइंगल छोटा सा ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है. सो चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ चेंज इन आर ए एंड परसेंटेज चेंज इन आर एम. मार्केट में जो चेंज हो रहा है उसके हम स्टॉक में चेंज देखेंगे दैट इज इक्वल टू बेटा. ए इज इक्वल टू रिलेटिव रिस्क टू द मार्केट. अगर हम दोनों में से मार्केट रिस्क फ्री रेट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिलेटिव रिस्क टू द मार्केट आ जाता है. सबसे पहले आर ए माइनस आर एफ एंड आर एम माइनस आर एफ. दिस इज द मार्केट रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो. दिस इज रिटर्न ऑन ऑन द एसेट कोई भी जो हमारे यहाँ पे स्टॉक है. सो दिस इज द बेसिक ग्राफ विच यू विल सी अगेन एंड अगेन विच यू गेट बाय द रिग्रेशन एनालिसिस. इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक है हिस्टोरिकल परसेंटेज में एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इट इज इक्वल टू आर ए आर ए स्टार माइनस आर एफ एंड जो हमारा मार्केट पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आर एम स्टार माइनस आर एफ है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे हम और मैं इसमें आपको और चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके. इफ यू लुक एट द ग्राफ वी हैव प्लॉटेड 3 ईयर्स ऑफ डेटा फॉर चेंजेस इन द कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 मार्केट इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक है. राइट. सो 3 ईयर्स डेटा हमने देखा है इन द डेटा फॉर द चेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक है. सो दोनों का स्टॉक का भी हमने देखा है और स्टॉक का भी हमने इसमें देखा है और मार्केट का भी देखा है. अच्छा देखिए यहाँ पे एक हम टर्म चूज करें एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें कैसे पता चलेगा. एक्सपेक्टेड हमने देखा था अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में दो चीज़ें आती हैं. फर्स्ट चीज़ क्या है स्टॉक का जो हमें रिटर्न होता है. फर्स्ट थिंग इज डिविडेंड यील्ड. राइट. एंड सेकेंड थिंग इज कैपिटल गेन. राइट. सो अगर हम स्टॉक पे रिटर्न फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे. तो हमें ऑब्वियसली ये भी डिविडेंड यील्ड भी हमें देखनी है और हमने कैपिटल गेन यील्ड भी देखनी है. सो कैपिटल गेन यील्ड तो आसानी से फाइंड हो जाएगी. आप अगर आप एक स्टॉक की अगर आप मंथली देख रहे हैं तो जो किसी भी साल में फरवरी की जो उसकी प्राइस होगी उसमें से हम जनवरी की माइनस करेंगे. अगर वो पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब कि हमारी कैपिटल गेन बढ़ा. अगर वो नेगेटिव है तो कैपिटल गेन कम है. एक तो ये चीज़ क्लियर होगी आसानी से फाइंड हो. सेकंड चीज़ ये है कि डिविडेंड यील्ड के लिए हमें देखना है कि कंपनी कब कब डिविडेंड अनाउंस करती है.
जो कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे, उसको भी हम ऐड कर लेंगे इसके इसके साथ जो, और हम कब ऐड करेंगे, जिस मंथ में, इसलिए कि कुछ कंपनी जैसी होती है जो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करती हैं, कुछ कंपनी जैसी हैं जो साल में 1 दफ़ा करती हैं, कुछ कंपनी जैसी हैं जो नहीं भी करती। सो नॉर्मली हम सिर्फ ये कैपिटल गेन वाला पार्ट देख रहे होते हैं, लेकिन जिस भी पीरियड में कंपनी आपको डिविडेंड देगी हम वहाँ पर उसको ऐड कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास डिविडेंड यील्ड भी ऐड होगी। सो रिमेंबर दैट, ऐड ऐड द डिविडेंड्स डिविडेंड्स इन द पीरियड व्हेन कंपनी व्हेन द कंपनी अनाउंसेस और गिव्स डिविडेंड्स। सो उससे हमारे पास पूरा जो हमारे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक क्या हो जाएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि रिटर्न क्या, रिटर्न और उसमें कैपिटल गेन यील्ड भी देख रहे हैं और हम दूसरी यील्ड देख रहे हैं। इसी तरह कंपनीज कंपनीज के केस जो हम मार्केट के नंबर्स हमें चाहिए होंगे तो वी विल फोकस मोर ऑन द हम पॉइंट्स में चेंजेस देखें। हम डिविडेंड्स को अगर आप यहाँ पे छोड़ भी दें तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको ये इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, यू नॉट एक्सपेक्टेड टू लर्न ऑल दिस, रिग्रेशन के बारे में पैसल लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता कि रिग्रेशन में इतनी डिटेल्स में क्या होता है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है। जब हो सकता है आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में या पीएचडी की तरफ आएंगे तो देन यू विल हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस स्टफ योरसेल्फ, और ये सब चीज़ें जब आप खुद से करेंगे तो यू विल नो वट इन अ मच इन मच मोर ब्रॉडर सेंस इन मच मोर डिटेल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। बट राइट नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लाइन इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। बट इन बोथ द केसेज द एक्सपेक्टेड रिटर्न हैव बीन बेंच मार्क अगेंस्ट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज बिकॉज वी पिक द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द चेंजेस इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो जब हम सो देखें दोनों केसेज में हमने हमने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को इसमें से माइनस किया है और फिर हमने देखा है कि हमें कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है मार्केट के ऊपर या फिर हमें स्टॉक के ऊपर। सो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसे किया है, इन बोथ द केसेस एक्स्पेक्टेड रिटर्न हैव बीन बेंचमार्क्ड अगेंस्ट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज बिकॉज वी पिक द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द चेंजेस इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। राइट, दिस इज बिकॉज वी टेक हम जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उसको लेते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं फॉर द चेंजेस इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट्स व्हाई वी माइनस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दोज नंबर्स। थ्री पॉइंट्स आर शोन ऑन द ग्राफ, वन फॉर ईच ईयर इन द एनालिसिस, एंड आफ्टर प्लॉटिंग दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ वी कैन देन डू वट इज नोन एज लीनियर रिग्रेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which best fit through the points. You have studied this concept in the course of statistics and probability. Again, if not, then take a statistics book and find out what is linear regression and how it can help you. Linear regression, so again, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट्स linear regression एक करता है कि आपको एक लाइन इसमें से लगा के देता है जिसमें से जो सम ऑफ स्क्वेयर डिफरेंट उन पॉइंट्स का इस लाइन के साथ सबसे कम होगा, तो अब तो ये कंप्यूटर से लाइन बड़ी आसान से निकल जा सकती है। लेकिन बैक इन द डेज जब हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स बहुत सारे होते थे और हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो लोग एक स्केल लेके एक फुट्टा लेके एक वो लाइन लगाने की कोशिश करते थे कि लगाने की कोशिश करनी ऐसे लगाने की कोशिश करते थे जो हर पॉइंट जिसका स्क्वेयर डिफरेंस कम सबसे कम हो। सो ऑब्वियसली दैट वॉज वो इसलिए किया जाता था बिकॉज इन दोज डेज वी डिड नॉट हैव द technology of doing that or calculation capabilities of doing that, but today it is not a problem. You can easily calculate these things by using Excel or any other software. So you don't have to do that at least. The slope of the line represents the beta coefficient. Right, so मैंने आपको बताया था the slope of the line. The slope, this is the slope. कि जब x में इतनी चेंज होगी तो y में कितनी चेंज होगी, जब y में इतनी चेंज होगी तो x में कितनी चेंज होगी. This is the slope of the line that represents the beta coefficient. Beta is equal to change in y divided by change in x is equal to change in rate of return of a, percentage change in rate of return of a, expected rate of return of a divided by percentage change in expected rate of return of market. So relative risk to the market is equal to ra minus rf divided by rm minus rf. Beta represents the risk of the stock relative to the return of the market, and in terms of risk free rate of return we can define the beta as the expected rate of return of stock A minus the risk-free rate of return divided by expected rate of return of market minus the risk-free rate. So that's the that's basically the same last equation to jiski maine and jo maine aapko bhi bataya. We use historical data of expected rate of returns and we graphed it against changes in the overall market index. We've talked about it. There are two ways of calculating portfolio beta. अब हम portfolio beta की बात करते हैं तो उसके दो तरीके हैं portfolio beta find करने के।
Analyze historical data for portfolio returns and market index returns, like in the case of stock beta. अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा डेटा फॉर पोर्टफोलियो रिटर्न्स एंड मार्केट इंडेक्स रिटर्न्स लाइक इन द केस, उसमें हम पोर्टफोलियो के रिटर्न पिछले 3 साल के लिए ले सकते हैं और उसमें उसको हम मार्केट रिटर्न के साथ देखते हैं, और मार्केट रिटर्न के साथ जब हम रिग्रेशन रन करेंगे तो हमारा स्टॉक बीटा आ जाएगा। प्लॉट लीस्ट स्क्वेयर फिट लाइन, रिग्रेशन में जो लाइन आती है, एंड कंप्यूट पोर्टफोलियो लाइन स्लोप एंड बीटा डायरेक्टली। अब जो उस लाइन का बीटा स्लोप होगा दैट इज कॉल्ड बीटा, एंड यू कैन डू दैट फॉर फाइंडिंग बीटा। एंड द सेकेंड वन इज यूज अ पब्लिश डेटा फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स बीटा फ्रॉम द बीटा बुक, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा है वो बीटा बुक से फाइंड करने, एंड डू द एनालिसिस बेस्ड ऑन दोज बीटास। सो मूविंग फॉरवर्ड, कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो बीटा कैप। पोर्टफोलियो बीटा कैन बी कैलकुलेटेड एज अ सैम्पल वेटेड एवरेज ऑफ स्टॉक बीटास इन दैट पोर्टफोलियो। अब अगर हमने पहले तो मैंने आपको बताया कि आप बीटा, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है, आप उसके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं या रिटर्न्स हैं वो देखें पिछले 3 साल के लिए, और आप 3 साल के अगर आप आपके पास जो मार्केट रिटर्न है उनको कंपेयर करें, एक रिग्रेशन रन करें, जो रिजल्ट्स आएंगे आप यू कैन, उसका जो स्लोप होगा लाइन का वो आपका बेटा होगा। सेकंड, आप जो जितने भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनका जो बेटा आपको बेटा बुक से मिलता है, जो पब्लिश मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज से मिल सकता है या फिर रेटिंग एजेंसी से मिलता है, वो ले जो बेटा आपके पास आ जाते हैं, तो आप उनको यूज़ करके भी आप अपने पोर्टफोलियो का बेटा फाइंड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बेटा कैन बी कैलकुलेटेड एज अ सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ स्टॉक बेटा इन दैट पोर्टफोलियो। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ स्टॉक बेटा इन द पोर्टफोलियो। आप वो सिर्फ सिंपल वेटेड एवरेज होगी स्टॉक बेटा की। सो व्हाट डू मीन बाय सिंपल वेटेड एवरेज, लेट्स डू एन एग्जांपल। देखें, अब अगर हमारे पोर्टफोलियो में लेट इमेजिन 3 स्टॉक हैं और हम देखते हैं कि जो बीटा ए का है वो इतना है, जो बेटा बी का वो इतना है, बेटा सी का इतना है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर हमने 30% इसमें किए हैं, 40% इसमें किए हैं, 30% इसमें किए हैं, तो फिर हम 30% में 30% को मल्टीप्लाई करेंगे जो बेटा ए का होगा उसके साथ, और फिर हम 40% को मल्टीप्लाई करेंगे जो बेटा बी का होगा उसके साथ, और 30% जो बेटा सी का उसके साथ, ये इन सबको प्लस करने के बाद हमारे पास वेटेड एवरेज आ जाएगी, तो हमारा वो पोर्टफोलियो का बेटा होगा। इसी तरह जितने हम वी कैन इंक्रीज एसेट्स टू एज मेनी एसेट्स एज वी वॉन्ट, सो दैट्स अनदर वे ऑफ फाइंडिंग पोर्टफोलियो बेटा। हम पूरे पोर्टफोलियो का बेटा देखना चाहते हैं। पोर्टफोलियो का बेटा हमें ये बताएगा कि अगर मार्केट में एक पॉइंट चेंज होती है तो हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंज होगी। ऑब्वियसली वी नीड अ नंबर फॉर द बेटा ऑफ द पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे एसेट्स पड़े हैं, 40 एसेट्स पड़े हुए हैं, 7 एसेट्स हैं, जितने भी आप चाहते हैं एसेट्स हैं, तो उसमें अगर मार्केट में इतनी चेंज आ रही है तो हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंज आएंगे, दैट्स वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन। राइट, इन द फार्मूला बेटा ए रिप्रेजेंट्स द बेटा और मार्केट रेट ऑफ स्टॉक ए, एक्स रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द स्टॉक, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए टू द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। एज आई टोल्ड यू, दिस सिंपल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पोर्टफोलियो बेटा इज एज फॉलोज। राइट, सो दिस इज द फार्मूला विच आई टोल्ड यू, पोर्टफोलियो बेटा और मार्केट रिस्क फार्मूला इज अ सिंपल पोर्टफोलियो बेटा और मार्केट रिस्क फार्मूला इज अ सिंपल वेटेड एवरेज अनलाइक द पोर्टफोलियो रिस्क फार्मूला। सो देखिए, पोर्टफोलियो का जो बेटा या मार्केट रिस्क फार्मूला, मार्केट रिस्क, देखिए बेटा क्या होता है, मार्केट रिस्क। सो पोर्टफोलियो के मार्केट रिस्क का जो फार्मूला है वो सिर्फ सिंपल वेटेड एवरेज है, दिस इज सिंपल वेटेड एवरेज, नथिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। लेकिन जो आप याद रखें कि जो हमारा अनलाइक द पोर्टफोलियो रिस्क फार्मूला, पोर्टफोलियो का जो रिस्क फार्मूला है दैट वॉज नॉट सिंपल वेटेड एवरेज, दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। इसमें हम स्क्वेयर करते हैं जो हमारी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए है उसका स्क्वेयर, फिर हमारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ए की उसका स्क्वेयर करते हैं, फिर परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन बी, आई एम टॉकिंग इन द केस ऑफ 2 एसेट्स, उसका स्क्वेयर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी उसका स्क्वेयर, प्लस 2 into परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी, सिग्मा ऑफ ए, सिग्मा ऑफ बी एंड रो ऑफ ए भी, जो दोनों की कोरिलेशन है। अब इस सारी इक्वेशन का अंडर रूट लेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि हमारे पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क कितना है। तो रिमेंबर, ये कोवेरियंस की टर्म है, इसमें हम देखते हैं कि दोनों एसेट्स की आपस में मूवमेंट क्या है वो भी हमें देखनी पड़ती है, बिकॉज ये दोनों एसेट्स एक ही पोर्टफोलियो में। सो एज आई टोल्ड यू, इफ यू हैव मोर देन 2 एसेट्स यू कैन यूज द मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ एनी ऑफ पोर्टफोलियो विद एनी अमाउंट ऑफ एसेट्स यू वॉन्ट टू। कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो बेटा कैपम, सो इस एग्जाम्पल में हम पोर्टफोलियो बेटा फाइंड करते हैं। कंप्लीट 2 स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाटा,
अब इसमें दो स्टॉक्स हमारे पास, स्टॉक ए की वैल्यू 30 है, स्टॉक बी की 70, टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 100 थी। एक्सपेक्टेड रेट हमारा रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20% ऑन द फर्स्ट, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा फर्स्ट पे 20% है, जो बी पे वो 10% है। टोटल रिस्क इज़ 20% स्टॉक ए, टोटल रिस्क इज़ 5% स्टॉक बी। जो बेटा है ए का वो 2 है, जो बेटा बी का है वो 0.5 है। सो देखें, अगर 2 से मुराद है कि अगर मार्केट 1 पॉइंट मूव करती है ऊपर की तरफ तो ये हमारा स्टॉक 2 पॉइंट्स ऊपर करेगा, अगर मार्केट 1 पॉइंट नीचे आती है तो ये 2 पॉइंट नीचे जाएगा, 2% नीचे जाएगा। अगर मार्केट इसका ये मतलब है कि सेकंड बी केस में अगर मार्केट +1 ऊपर की तरफ +1 मूव करती है तो ये 0.5 मूव करेगा, नीचे की तरफ वो 0.5 मूव करती है, 1.1 मूव करती है तो ये नीचे की तरफ 0.5 -0.5 मूव करेगा। और कोरिलेशन कॉफिशियंट जो इन दो एसेट जो इन दो स्टॉक्स का है वो 0.6 है। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन कि हमारे पास पोर्टफोलियो को मेन रिटर्न क्या आता है। पोर्टफोलियो का जो मेन रिटर्न है दैट इज़ 13%। मेन रिटर्न फाइंड करने का वो तरीका पता है, आप जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है उसको रिटर्न से आप मल्टीप्लाई कर लें, और अब ये 30% को मल्टीप्लाई करें 20% से, प्लस 70% को 70% को मल्टीप्लाई कर दें आप 10% से, तो आप प्लस 30% आ जाएगा। पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क हमने शायद ये सेम नंबर से पहले फाइंड किया हुआ। यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, वी हैव ऑल द नंबर्स, यू जस्ट हैव टू पुट द फार्मूला इन द फार्मूला, और आपके पास 8.5% आ जाएगा। हमने देखा था कि टोटल जो है वो 20% है, 5%। अगर देखें ये दोनों, इन दोनों की कोरिलेशन नेगेटिव होती तो ये वाला हमारा जो काम वो रिस्क है वो काफ़ी ये इन दोनों के रिस्क से फिर कम हो जाता, लेकिन दिस इज़ नॉट नेगेटिव, कोरिलेशन इज 0.6, दैट्स वाई वी हैव दिस नंबर। एट नाउ वी कैन कैलकुलेट द पोर्टफोलियो बेटा विच इज़ अ मेजर ऑफ द मार्केट पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो बेटा की मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया, दिस सिंपल फार्मूला, पर्सनल इन्वेस्टमेंट जिन्हें बेटा ऑफ ए, पर्सनल इन्वेस्टमेंट बी बेटा ऑफ बी, पर्सनल इन्वेस्टमेंट सी बेटा ऑफ सी। सो सिंपली यूज दिस फार्मूला इन द इन दिस केस, पर्सनल इन्वेस्टमेंट जिन्हें इज 30/100 इज 30%, जो उसका बेटा है वो 2 है, दूसरे में 70% जो बेटा है वो 0.5 है। सो इन दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो बेटा आया है वो 0.95 आया है इन दोनों एसेट्स का, बेटा रिलेटिव टू मार्केट रिस्क और वॉलेटिलिटी। इट मीन्स दैट पोर्टफोलियो ऑफ ए एंड बी स्लाइटली लेस रिस्की देन द टोटली डाइवर्सिफाइड के एस सी 100 मार्केट पोर्टफोलियो बेटा ऑफ 1। सो जो हमारा इसका मतलब कि अगर मार्केट के एस सी 1 पॉइंट ऊपर मूव करती है तो हमारी 0.95 ऊपर मूव कर 0.95 ऊपर मूव करेगा पोर्टफोलियो, और वाइस वर्सा। राइट, सो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ न्यू स्टॉक इन्वेस्टमेंट ऑन पोर्टफोलियो, कि अगर हम इस इसमें इफेक्ट ऑफ न्यू स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर हम देखते हैं कि इसी के अंदर हम एक और स्टॉक को ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ये वाला जो पोर्टफोलियो इसमें अगर एक और स्टॉक ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। राइट, सो नाउ विल सी द केस, वी विल सी द केस बट दैट व्हाट विल हैपन टू द पोर्टफोलियो बेटा इफ यू ऐड अनदर स्टॉक टू इट। सपोज दैट यू हैव अ थर्ड इन्वेस्टमेंट सी टू योर ओल्ड टू स्टॉक पोर्टफोलियो। अब 30% इन्वेस्टमेंट उन्होंने ए में कर दी है, 30% बी में कर दी है, और 40% सी में कर दी है। रेट ऑफ रिटर्न 20, 10, एंड जो फाइनली जिसमें अब हमने किया उसमें 30% रेट ऑफ रिटर्न है, एंड जो बेटा है स्टॉक का 20.5, जो नया स्टॉक था उसका 1.5 है। अब अगर हम नए स्टॉक का बेटा, पोर्टफोलियो का बेटा फाइंड करना चाहते हैं, सो 1.5 का में हमारी इन्वेस्टमेंट 40% हो रही है, सो ऑब्वियसली पुराना हमारा बेटा 0.95 था, इससे ज़्यादा ही होगा बिकॉज अब जो नए में परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है। सो अब देख लें, एक्स ए बी ए इज 30/100 इंटू 2, एंड एक्स बी 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 30/100 डिवाइड बाई 0.5, एक्स सी बी सी 40/100 डिवाइडेड बाई 1.5। सो द ओवरऑल बेटा विच वी फाउंड इज 0.6, 0.6 प्लस 0.1.5 प्लस 0.6 इज 1.35। सो दैट्स द ओवरऑल बेटा वी गॉट फ्रॉम हियर। सो यू कैन सी दैट बाय एडिंग दिस एसेट हमारा जो ओवरऑल बेटा हमारे जो पोर्टफोलियो का वो इंक्रीज हुआ। The effect of adding a stock with a beta higher than the portfolios is that it increases the portfolio beta or risk. In this case, we also increase the beta by adding new stock, but the expected rate of return also increases for the portfolio. So, in this case, we also increase the beta by adding the new stock. अब इस केस में हमने अपने बेटा, हमारा बेटा इंक्रीज हुआ बाय एडिंग द न्यू स्टॉक।
बट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो इंक्रीजेज फॉर द पोर्टफोलियो. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमारा मार्केट रिस्क इंक्रीज हो गया. मार्केट रिस्क इंक्रीज हो गया, दैट्स वाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो इंक्रीज. सो द इंक्रीज रेट ऑफ रिटर्न वुड कम्पनसेट द इंक्रीज इन रिस्क. बिग जो हमारा इंक्रीज रेट ऑफ रिटर्न होगा बिकॉज रिस्क इंक्रीज, दैट विल कम्पनसेट फॉर द इंक्रीज इन रिस्क. Right, so now we are moving forward to required rate of return, CAPM, required rate of return versus expected rate of return. So expected rate of return, what is expected rate of return? The most likely or mean required rate of return expected in the future. It is calculated using weighted average formula and probabilities, what we have been calculating so far. It is basically the weighted average or mean of the expected return of the individual investment in the portfolio. So it is just a mean, a weighted average or mean of the expected return, mean of the expected return of the individual investment in the portfolio. But when we talk about required rate of return, it is the minimum return that investors require from the stock to invest in it. So expected rate of return, what we expect from the portfolio, and that depends on the weighted average or mean of expected return of the individual investment in the portfolio. But the required rate of return is different. Required rate of return वो होता है, it is minimum rate of return that investor required from the stock to invest in it. ये वो return है जो minimum rate of return जो investors को required होता है अगर वो उसमें, अगर वो किसी assets में invest करना चाहते हैं. It varies from individual to individual. ये individual to individual vary करता है. It is based on perceived risk relative to the market and psychological risk profile of each investor and his personal opportunity cost of capital preference. और ये दो चीज़ों पर depend करता है. हर इन्वेस्टर का डिफरेंट होता है और दूसरे पर डिपेंड करता है. परसीव्ड रिस्क रिलेटिव टू द मार्केट एंड साइकोलॉजिकल रिस्क प्रोफाइल ऑफ ईच इन्वेस्टर. सो बेसिकली कि सो जो कुछ इन्वेस्टर्स हमारे रिस्क अवर्स होते हैं तो उनका रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई होगा अगर वो रिस्क एसेट में ज़्यादा है. कुछ रिस्क लविंग होते हैं तो वो उनका शायद रेट ऑफ रिटर्न इतना ज़्यादा हाई ना हो. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ द इन्वेस्टर एंड सेकेंड हिज पर्सनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस. एंड सेकेंड ये केस हो सकता है कि अगर कोई कंपनी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है तो उनकी अपनी एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है बिकॉज उनकी भी फाइनेंसिंग, उनको इक्विटी फाइनेंसिंग मिली होती है, डेट फाइनेंसिंग मिली होती है. एंड बेस्ड ऑन दैट इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग उनके पास एक रेट ऑफ, उनके पास अपना एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, पर्सनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है. वो उसके तो ऑब्वियसली वो उससे जो कम पे वो कभी भी इन्वेस्टिंग करेंगे, उससे हाई पे इन्वेस्ट करेंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में अगर हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ रिस्क फ्री लाइक द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देन आई विल ओनली इन्वेस्ट इन अ स्टॉक इफ इट ऑफर्स मी मोर रिटर्न देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. सो अपॉर्चुनिटी के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हमारे पास और कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जिनसे हम इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कंपेयर करेंगे. We have mentioned earlier that rate of return or opportunity cost varies from person to person because every individual have a different preference for risk taking. Some are risk averse, some are risk loving, some are risk neutral. So every individual is different, every company is different, and it depends on that. Some people have tendency to be gamblers, whereas other people put their money at national savings schemes. So look, these are risk averse people and these are risk lovers. However, the rate of return can be linked to the beta risk. Because based on the portfolio theory in CAPM, where we mentioned that there is direct relationship between risk and return. लेकिन हम rate of return को beta risk के साथ भी link कर सकते हैं based on the portfolio theory and capital asset pricing model where we mentioned that there is direct relationship between risk and return. Right, so average required rate of return for all rational investors in an efficient market can be estimated using the CAPM theory. तो देखें जो एवरेज वी टॉकिंग अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर ऑल रैशनल इन्वेस्टर्स इन एन एफिशिएंट मार्केट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द कैपिटल थ्योरी. सो जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है रैशनल इन्वेस्टर्स का इन एन एफिशिएंट मार्केट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल थ्योरी, बेटा एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. राइट, सो टोटल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ सिंगल स्टॉक इज डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल गेन. आई विल नॉट गो इन द डिटेल बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिटेल्स. गोल्डन फार्मूला फॉर कॉमन स्टॉक प्राइसिंग और वैल्यूएशन यूजेज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू टी डिवाइड बाई पी नॉट. टी डिवाइड बाई पी नॉट हमें डिविडेंड यील्ड दे रही है प्लस जी. जी इज द ग्रोथ फैक्टर इन दैट कि ग्रोथ कितनी हो रही. इन एफिशिएंट मार्केट्स प्राइस ऑफ स्टॉक्स इज बेस्ड ऑन मार्केट रिस्क और बेटा. वी कैन फार्मुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ बेटा रिस्क.
So how can we use beta coefficient to calculate the required rate of return for the average investor in the market? So let's see. The answer to this is security market line, SML. Right. It is the part of capital asset pricing model, and it is most critical part of capital asset pricing model. SML is straight line relationship that contains all possible combinations of efficient stocks in the market. It is a straight line relationship which tells us all possible combinations of efficient stocks in the market. If the combination of risk and return for any stock does not lie on SML, agar koi combination hai jo rate of return or stock SML pe lie nahi karta, then the stock is not efficiently priced. In other words, it means that for most of the investors in the market, their required rate of return for investment in stock is directly proportional to beta risk of that stock. For most of the majority of the investors ke liye jo hamara jo rate of return hota hai, that is directly proportional to beta risk of the stock ke. So you will recall that we are not unfamiliar with straight line relationship between risk and return when we are talking about portfolio. When we calculate the portfolio risk with a positive correlation coefficient, we came up with a continuously increasing relationship between portfolio risk and return. So the model is similar to SML. Right, so let's see. Security market line mein hum dekhte hain ki jaise jaise risk increase hamara hota hai, waise waise hamara rate of return bhi increase hota hai. So hum pehle bhi dekh chuke hain ki jo non efficient portfolio hain, ये जो भी हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे सारे हमारे सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे फॉल करेंगे, और जो इसके ऊपर नहीं होंगे वो नॉन एफिशिएंट सिक्योरिटी पोर्टफोलियोज हमारे होंगे सारे. राइट, सो फाइनली दिस इज द सिक्योरिटी मार्केट लाइन विच आई वांटेड टू शो यू. राइट, रिस्क वर्सेज रिटर्न ग्राफ SML CAPM एफिशिएंट मार्केट विद फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. सो रिमेंबर, दिस इज एफिशिएंट मार्केट विद फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज एंड एफिशिएंटली प्राइस स्टॉक. So fully diversified portfolio and efficient price stock in efficient markets will lie on the straight line, straight SML line, will lie on the straight SML line. And इसमें देख लें कि जैसे जैसे हमारा बेटा जैसे जैसे हमारा बेटा इंक्रीज करता है, वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज करता रहता है. अगर 1 है तो 15 होगा, अगर 1.5 है तो 20 हो जाएगा, अगर 2 है तो 25 होगा. इसके ऊपर जितने भी इन्वेस्टर्स लाइक करेंगे, दे आर फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज. इसका मतलब है कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट, दे आर जस्ट अफेक्टेड बाय द मार्केट स्पेसिफिक रिस्क. अगर मार्केट रिस्क वो इफेक्ट हो रहे हैं तो वो BM रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और जैसे जैसे बेटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज होता जाएगा. इट्स अ स्ट्रेट लाइन मॉडल फॉर बेटा रिस्क एंड रिक्वायर्ड रिटर्न. इट इज सिमिलर टू रिलेशनशिप फॉर टू स्टॉक पोर्टफोलियो विद आर ग्रेटर देन जीरो. बेटा रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिक्वायर्ड रिटर्न. The investor require an extra return which exactly compensates them for extra risk of the stock relative to the market. Or security market line linear equation for the required return of any stock is equal to RA, required rate of return of an asset is equal to risk free rate of return, because that is the minimum rate of return which we require agar hum market mein invest karna chahte hain, because ye wala hame risk free available hai, plus RA minus RF. ये हम देखते हैं कि जो मार्केट का मार्केट रिक्वायर, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्रीमियम, कि रिस्क फ्री रेट अगर मार्केट का जो रिटर्न है उसमें जब हम रिस्क फ्री रेट को माइनस करते हैं तो वो मार्केट प्रीमियम आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय बी ए बेटा ऑफ ए. तो बेटा ऑफ ए ये हमें बताता है कि ये मार्केट के साथ किस तरह मूव कर रहा है, या मार्केट रिटर्न कैसे चेंज होता है इस स्टॉक के साथ. सो दिस इज द फेमस इक्वेशन. वी कैन गेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एनी काइंड फॉर एनी एसेट by using this by any stock by using this equation. So let's just see the above equation. RA is return that investors require from investment in stock A. This is a required rate of return. RA, the return that investors require from investment in stock A. RF, risk free rate of return, that is T-bill rate government security mein karne investment karne. RM is return that investors require from investment in average stock or the market portfolio for all stock where BM is equal to 1. So this is the KSE 100 pe hamara jo return aa raha hai market stock pe. BA is beta of the stock, BA is beta of the stock, aur ye puri equation jo last wali hai ye, what does that represent? Risk premium or additional return in excess of risk free rate of return to compensate investor for the additional risk. Ye main bata raha hai ki additional market risk kaise change hota hai stock ke saath, और हम मार्केट रिस्क के साथ उसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें वो एडिशनल एक्सेस रिस्क रिक्वायर्ड रिटर्न पता चलता है, दैट कंपनसेट इन्वेस्टर फॉर द एडिशनल रिस्क.
We've studied stock beta, stock portfolio, and introduction to the security market line. It was a very interesting lecture in that sense that today we have seen how can we use capital asset passing model to find rate of returns for all the securities and stuff like that. Thank you very much for your time, and I'll see you in the next lecture.